नमस्कार, बारबटी धौल एक्सप्रेस को स्वागत कर प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे। मनीष दास हत्या मामला हुई परे पूरा क्राइम रो सीन रिक्रिएशन, तीन अभियुक्तों को रिमांड रे आणला इन्फोसिस थाना पुलिस। जेरा बेले अनेक तथ्य रहबो खुलासा, मनीष को मोबाइल को नहीं भी पचराउचरा करबो पुलिस। महालिंग स्कूल अध्यक्ष निखोज घटना, राजधानी भी उठिला प्रतिवाद स्वर। सुसंपर्क संगठन पक्षर विक्षोभ, निखोज प्रिंसिपाल को खोजा सहित कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्रों इस्तफा दाबी। कटक व्यवसायी क्षीरोद गुड़माड़ और लूट घटना, दुर्दांत अपराधी राकार एनकाउंटर पर चारि सहयोगी गिरफ। अभियुक्तों मध्य कुख्यात डकायत सागर, 16,000 टंका जबत। विभिन्न थाना रे रही 15 अधिक मामला। बाईस घंटा धरी विधायक प्रदीप पाणिग्राही घरे विजिलांस रेड, 24 लाख ऊर्ध टंकार सुना जबत। लोकपाल और बीजेडी उपरे बरसिला बीजेपी, भृगुं अभियोग एमती 30-40 नेता अच्छा, समस्ते तदंत परिसरभुक्त होगा उचित। बीजेपी रे मिसिले पूर्वतन मंत्री अंजलि बेहरा, केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को उपस्थिति रे हेले सामिल। बीजेपी रे ढेंकानाल जिलार सहस्राधिक कर्मी को योगदान, पूर्वतन कांग्रेस विधायक प्रार्थी संतोष राउत मध्य धरिले पद्म। पश्चिमबंग तसलग्न उत्तर ओडिशा रे आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि, प्रभाव में आहुरी 2 दिन प्रबल वर्षा संभावना। 7 जिला को येलो वार्निंग, वज्रपात नहीं 14 जिला को अलर्ट। बुढ़ाबलंग और सुवर्णरेखा बढ़ी पारे जलस्तर। पशुप्रेमी सत्यनगर अंचल प्रभाती मल्लिक, बुला कुकुर को खाद्य और सुरक्षा देवर उत्सर्गीकृत पूरा परिवार, 8 वर्ष धरी निज हाथ खर्च कर लगी पशु सेवार। मनीष दास हत्या मामलें तीन अभियुक्तों रिमांड में आणला इन्फोसिस थाना पुलिस। तदंत बेले अनेक तथ्यर खुलासा होगा नहीं संभावना रही। हत्या मामलें अभियुक्तों संपृक्ति नहीं खोलताड़ हो, आवश्यक पड़े सीन रिक्रिएशन हो सूचना मिली। मनीष को मोबाइल को नहीं भी पचराउचरा कर पुलिस, एने सूचना देखते भुवनेश्वर डीसीपी उमाशंकर दास। गत 10 तारीख में पात्रपड़ा स्थित एक पोखरी मनीष मृतदेह मिलता। होटेल में बिल पेमेंट को नहीं मनीष को तनिज सांग अमृत प्रीतम विश्वाल, दिनेश कुमार महापात्र और मृत्युंजय मिश्र हत्या करते। हत्या पर मनीष मृतदेह को पाख पोखरी में फिंगी एवे व्यावसायिक संपर्क अबा पूर्व शत्रुता को नहीं मनीष को सुपरिकल्पित भाव योजना कर हत्या करपे चर्चा हो, जहाक नहीं कमिशनरेट पुलिस पक्ष खोलताड़ जारी रही। थाना आज 3 जन को 4 दिनिया रिमांड में अणाजी, तुम एक टीम इन्वेस्टिगेशन जी करूँ सी से पचराउचरा आम 3 जन को करूँ, आवश्यकता पड़े कन्फ्रंटेसन जदि दरकार पड़े जो जो जगह से माने जाइले अन्यान जो रिलेटेड एविडेन्सेस अच्छी कोरोबोरेट करने अधिक एविडेन्स कलेक्ट करने जहाँ भी आवश्यकता अच्छी सब कार्यानुष्ठान ग्रहण कर स्टेटमेंट को भित्ती करी रिक्रिएशन आम कर। कलाहांडी महालिंग सनसाइन पब्लिक स्कूल अध्यक्ष निखोज घटना, 10 दिन हेबो निखोज अछंती अध्यक्ष ममिता मेहर, सेबडे स्कूल प्रेसिडेंट गोविंद मध्य पुलिस हेफाजत फेरार हो जाइछंती। घटना को नहीं विभिन्न महल रे विरोध करा जायथुवा बले राजधानी रे भी उठिछि प्रतिवाद स्वर। सुसंपर्क संगठन पक्षरु भुवनेश्वर विक्षोभ प्रदर्शन करा जायछि। गोविंद खसी गले ना जानिशुनि तांको खसाई दिया गला, तुरंत गोविंद को गिरफ्तारी सहित कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्रों इस्तफा दाबी करिछंती आंदोलनकारी। इस्तफा सरकार को एति अनुरोध, मंत्री इस्तफा तुरंत मंत्री इस्तफा निजे निजे दे दिंतु, मंत्री से पद छाड़ू। राति अधिया जो चोरा पीरती पाठ पढ़िया ना जो सेक्स स्कैंडल एगुड़ाक सब चलू दीदी आज पर्यंत खोजिकी आई पारिना ममता मेहर आ प्रेसीडेट जी अच्छा भी आरेस्ट कर। आज जदि यार कि नाला दिव्यशंकर मिश्र जदि यार इस्तफा नदे ताहले आमे डीजी ऑफिस दरकार पड़े नवीन निवास घेराउ आरंभ करूँ। आप प्रजाए आरंभ होला
युवपीढ़ी आम एक हबू ओडिशार जो नारी को न्याय मिलूनी ताकू न्याय ही आम दबू। कटक व्यवसायी क्षीर साहू को गुड़माड़ और लुट घटना दुर्दांत अपराधी राकेश दास ओरफ राकार एनकाउंटर गोटे दिन पर तार चारि सहयोगी गिरफ करछि कंदरपुर पुलिस। घटनारे राका और तार सहयोगी मासे धरी फेरार रही थे। गोटे दिन तले ग्यांग्र मुख्य राका को एनकाउंटर करथला पुलिस। गिरफ अभियुक्त कुख्यात डकायत सागर मल्लिक। घटना अनुजाई गत सेप्टेम्बर 9 तारीख में जगत सिंहपुर बासिंदा व्यवसायी किरोल साहू मालगोदाम आसुवा बेले कंदरपुर निकटे दुर्बृत्त मैंने गुड़कर प्राय लक्षे टंका लुटि नहीं। मामलार तदंत कर कटक पुलिस दुई दिन तले फेरार थिबा अभियुक्त राका को एनकाउंटर करथिबा बेले आज अन्य चारि अभियुक्त को गिरफ करछि। एमानकठारु लुट होइथिबा टंका मध्यरु 16,000 टंका सहित दुईटी बाइक को जबत करछि पुलिस। ई अभियुक्त मानक नारे पूर्वरु विभिन्न थाना रे 15 अधिक मामला रहिथिबा पुलिस पक्षरु कह जायछि। ମାନେ ଆଗରୁ ରେକି କରିଥିଲେ, ରେକି କରି ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆସୁଥିଲା ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ। ଜିନିଷ ନେବା ଆସିଲା ବେଳେ ଅଥଙ୍ଗା ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଫେରିଂ କରି ତାଠୁ ଲକ୍ଷଟା ନେଇଯାଇଥିଲେ। କାଲି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଛୁ। ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏ ଥିଲା ରାକା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଧରାପଡ଼ିଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି। ସେ ପୋଲିସ ଉପରୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା, ତେଣୁ ପୋଲିସ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି କରିଥିଲା। ଇଏ ଜଗତସିଂହପୁରର ଆମର ଅଛନ୍ତି, ବାଲିକୁଦ ଥାନାର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସାଗର ମଲ୍ଲିକ। ରାଜା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାର୍ଶାଘାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର, ଆଉ ସିନୁ ଯିଏ ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସାଗର ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କ ଘର ବେଣ୍ଟା ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା ଏରିଆର ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କୁଜଙ୍ଗ ଏରିଆର ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତାଙ୍କଠୁ 2 ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ ହୋଇଛି ଆଉ 16,000 ଜବତ ହୋଇଛି। କଟକରେ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ଉପରେ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ। ରାଜାବଖିଚା ଅଞ୍ଚଳ ନିବାସୀ ସମାଜସେବୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଉପରେ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 2 ଗାଡ଼ିରେ 6 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବୁଲେଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସର ପାଇପ୍ରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ସେ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଗତ ଦିନରୁ ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସିଥିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମରକତନଗର ଥାନା ପୁଲିସ୍। ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଅଫିସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏ। ଆଜି ଦିନ 12 ଘରୁ ବାହାରିଲି, ଅଫିସ୍ ଆସୁଛି। ବ୍ରିଜ୍ରୁ 150 ମିଟର ଆସିଛି, ହଠାତ୍ ବାଁ ପଟେ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ରେ 3 ଜଣ ଯୁବକ 22-18 ବର୍ଷ ଭିତର ଯୁବକ ଅଟକିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସି ତା ସାମ୍ନା ମୋତେ କଭର୍ କରିକି ଅଟକେଇ ଦେଲା। ଅଟକେଇ ଦେଇକି ଗୋଟିଏ ପଦ ଖାଲି କଥା କହିଲେ, ବହୁତ ଉତ୍ତରୁଛୁ, ଏଥର ତୋ ଖେଳ ଖତମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣି ଅତର୍କିତ ବାହାର ଗଲେ, ଯେଉଁ ବୁଲେଟ୍ର ଯେଉଁ ସାଇଲେନ୍ସର ପାଇପ୍ 2 ଜଣ ବାହାର କରିକି ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ବାଁ ପଟ ଗୋଡ଼କୁ 4 ପାହାର ପକାଇଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲିନି। ତାପରେ ଅପରପକ୍ଷ ପିଲା ଗୋଟେ ଜୋରରେ ଗୋଟେ ପାହାର ପକାଇଲା, ମୁଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲି ମୁଣ୍ଡକୁ, ହେଲମେଟ୍ଟା ବାହାରିଗଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାର ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ପଛକୁ ପଳାଇଲି, ଆଉ ଦୁଇପଟ ରାସ୍ତା ବ୍ରିଜ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି, ମୁଁ ମଝିରେ ଏକୁଟିଆ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚକ୍ରବିଳା ମୁଁ ବିକଳରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ମଦ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ କମିଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଧମକେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେଠି କରିଥିବା ଯେଉଁମାନେ କଲୋନୀର ଅନ୍ୟ ଦୋକାନୀ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ବି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ନେଇକି ମଦ ଖାଇକି ଗୋଟେ ମଦୁଆ ବାଡ଼େଇଥିଲା, ସେପରି ମୋର ପୁତୁରା ହେବ। ତେଣୁକରି ସେଇ ମଦ ଦୋକାନକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କିଛି ହେଇଛି ବୋଲିକି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକଳନ। କଟକ ସହରରେ ଅପରେସନ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ସି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କ୍ରାଇମ୍ କ୍ଲିନ୍ ସିଟି। କେବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ତ କେବେ ଜବତ ହେଉଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଓ ବନ୍ଧୁକ। ଥାନାୱାରି ତିଆରି ହୋଇଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ, ଆଉ ସ୍କାନରରେ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଅପରାଧ ପ୍ରତି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। ଅପରାଧୀ ହୋସିଆ କଟକରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅପରେସନ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ସି କ୍ରାଇମ୍ କ୍ଲିନ୍ ସିଟି। କେବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରୁଛି ତ କେବେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି। ଅପରାଧୀ ହୋସିଆର କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅପରେସନ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ସି ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରାଇମ୍ କ୍ଲିନ୍ ସିଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସହରକୁ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍।
थानावारी तैयारी होइछि दुर्दांत अपराधीक लिस्ट स्कैनर रे रहिछि सेमानंकर व्यवसाय और कार्यकलाप टिके नजर पकांतु किछि दिन तले शहर रे कमिश्नरेट पुलिस करिथिबा एनकाउंटर उपरे 29 एप्रिल 2021 मोस्ट वांटेड क्रिमिनाल शेख बाबू को चंदका वारंग रास्तार एनकाउंटर करिथिला दरघा बजार थाना पुलिस गैंगस्टर शकिल रो राइट हैंड थिला शेख बाबू अपराधिक कार्यकलाप करुथुबा खबर पाई चढ़ाव करुथुबा समय पुलिस उपरे फायरिंग करिथिला बाबू जहार प्रति जवाब रे एनकाउंटर करिथिला पुलिस तानारे शहर विभिन्न थाना 20 रु अधिक अपराधिक मामला रहिछि 16 अक्टोबर 2021 कटक 42 मोजा स्थित परमाहंस अठंगा रास्तार दुर्दांत अपराधी राका उरफ राकेश दास को एनकाउंटर करिथिला कंदरपुर थाना पुलिस कटकरु जगत सिंहपुर जाउथवा समय कंदरपुर पुलिस चढ़ऊ करिथिला तेबे पुलिस उपरे राका फायरिंग करथवा समय पुलिस रो पलटा जवाब रे एनकाउंटर करिथिला राका नारे जगत सिंहपुर जिलार विभिन्न थाना 10 रु अधिक अपराधिक मामला रहिछि कटक सहर रे अपराधी और विशेषकर ऑर्गेनाइज क्राइम विरुद्ध रे आमर सबुबेले अभियान जारी रही अभियान जारी रहिबो आमे कटक सहर को अपराध मुक्त करिबु सेतिपई प्रतिश्रुतिबद्ध ड्रग्स मुक्त करिबु सेतिपई प्रतिश्रुतिबद्ध खबर मिलला कंडरपुर पुलिस स्टेशन रे कि पुणी से कोनसी घटना करिया पई से एरिया को आसीछि इमिडिएटली आईएसी पंडरपुर टीम संगे जा इंटरसेप्ट करने को जब चेष्टा कले से पुलिस को देखी पुलिस उपरे फायर कर दुई राउंड से पिस्टल रू फायर कर इन रिटर्न आम तरफ फायर होंजरी होयरिंग केवल अपराधी को एनकाउंटर नुहे विगत दिन में सहर में बहु परिमाण जबत हो ब्राउन सुगार बंधुक वर्तमान सुधा 4 KG 646 ग्राम 15 मिलीग्राम ब्राउन सुगार जबत हो जहाँ आनुमानिक मूल्य 4,61,00,000 टंका आउ यही कारबार में गिरफ होती 30 जन व्यवसायी से चलित बर्ष बंधुक कारबार और अपराधी निकटू 53 बंधुक सह 240 गुड़ी जबत करने मोट 55 जन अभियुक्त को गिरफ्त कर कोर्ट चालान कर सूचना देखते कटक डीसीपी योजना यही आर्म्स एंटी सोशल्स को सप्लाई करी थांते बिकॉज ये फेस्टिव सीजन रे डिमांड बेसी रोहे लोक क्रिमिनल एक्टिविटी करिवार डराइबा धमकाइबा गोटे मांगिवार योजना सब करुछंती तापई आर्म्स रे रिक्वायरमेंट होउछि जेतु बहुत आर्म्स सीजर हेछि तो आर्म्स रे शॉर्टेज एरिया रे हेछि तो एमाने आस्थेले ई आर्म्स को सप्लाई करिवा को लोक एमाने खोजते वर्तमान सुधा कटक शहर रे अनेक दुर्दांत अपराधी ओ गैंगस्टर जेल बेले ऊपर कड़ा नजर रखी कमिश्नरेट पुलिस कटकर कैमरा पर्सन गौतम महांती इमरान खान को रिपोर्ट अर्गस न्यूज अपहरण और निखोज केस पर ट्विन सिटी रे कमिशनरेट पुलिस पक्षर एक सेल आरंभ होता है सेल द्वारा 241 निखोज मामला और 6 मास मध्य 295 मामला बंद कर दी जाए यह अपहरण मामलागुड़िकर अधिकांश नाबालिका मैंने निज इच्छा घर छाड़ मामला रही है यह समाजपी आदो भल नुहे एगुड़ रोकवाई प्रारंभ नामक एक पदक्षेप कमिश्नरेट पुलिस तरफ उन्मोचन कर भुवनेश्वर पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी करंबर टी हो 2545445 ए नंबर केवल एवं भुवनेश्वर पर रही परवर्त समय यह कटक लागू हो विशिष्ट जुब आइकन एवं रग्बी इंडिया बोर्ड सदस्य श्री राहुल बोस मुख्य अतिथि भाव जोगदे उन्मोचन कर 2014-2017 मसीहा मध्य ट्विन सिटी में 1121 झील अपहरण होता बेले 613 जन झीव को उद्धार कर बाकी 508 जन एवं निखोज अच्छा आज गोटे कार्यक्रम आम लंच करूचु जहाँ ना दे प्रारंभ प्रिवेंटिव एंड रिस्टोरेटिव असिस्टेंस फॉर रेस्क्यूड एडल्ट्स एंड माइनर्स इन भुवनेश्वर यही कार्यक्रम जो महान उद्देश्य नहीं आम आरंभ करने को जाऊ आपण मैंने जानते जे गोटे विराट समस्या पुलिस पाई है ची किडनैपिंग ऑफ माइनर गर्ल्स माइनर चिल्ड्रन आपण माने जानिते आश्चर्य हेबे जे आमे भुवनेश्वर रे गोटे किडनैपिंग एंड मैन मिसिंग सेल आरंभ करथु प्राय 6 मास तले एही सेल द्वारा आमे 241 जण माइनर मिसिंग गर्ल बेसिकली मिसिंग गर्ल आउ किछि बॉय आमे तांकू उद्धार करथिलु आ प्राय 295 जो किडनैपिंग केस थिला
ତାକୁ ଆମେ ତାର ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଯୌତୁକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବିରୋଧରେ ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୃତକ ବାସନ୍ତୀ ରଣାଙ୍କ ପରିବାର। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରେ ବାସନ୍ତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଗରୁ ବହୁବାର ପାରିବାରିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ବାସନ୍ତୀର ମୃତ୍ୟୁକୁ ହତ୍ୟା କରି ନର୍ଲା ଥାନାରେ ଇତଲା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ନ କରି ପାଲଟା ବାସନ୍ତୀ ପରିବାରକୁ କେସ୍ ନ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଆଇଜିଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ପୋଲିସ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଛି। ତେବେ କେସ୍ ରୁଜୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବଂଶୀଧର ସାମଲ ପରିବାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଧମକଚମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଜି ଏନେଇ ପୁଣି ପରିବାରବର୍ଗ ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦରଖାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ୍ୱରିତ ତଦନ୍ତ ସହିତ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀର ବଡ଼ ଭାଇ ବାସୁଦେବ ରଣା। ଏଡିଜି ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟ କଲେ ନ୍ୟାୟ ଦେବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାର୍, ନ୍ୟାୟ ଯେମିତି ହେଲେ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଦୁଇଥର ଯାଇକରି ଭେଟିଲୁ, ଆମର ତାପରେ ବି ଆମର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଅକ୍ଟୋବର 4 ଦିନ DIG ସାର୍ କୋରାପୁଟ ଯାଇକରି ଭେଟିଲି ସାର୍, ତାପରେ ଆମର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା 5, ପୁଣି ସାମଲ ସାର୍ 6 ଆମକୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଏ DIGକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତୁ DG ପକେ ଯା, ମୋତେ କେହି କିଛି ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆର ପୁରା ଧମକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ସାର୍, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ସାର୍? ଆଉ ତାପରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତିକି ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିଲି ସାର୍। ଆଜି ଖବର ଜାରି ହେବ ସମୟ ବ୍ରେକ୍ର। ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ପରେ 1 କିଲୋ 440 ଗ୍ରାମର ସୁନା, 24,25,000 ଟଙ୍କାର ନେକଲେସ୍ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଜବତ ସୁନାକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯିବ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 22 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଥିଲା। ରାତି ତମାମ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଚାଲିଥିଲା ଯାଞ୍ଚ। ବାସଭବନରେ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ, ଝିଅ, ଝିଆରୀ ଏବଂ ପୁତୁରା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଗରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସେପଟେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକପାଳ ଓ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ଭୃଗୁବକ୍ସି ପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଲୋକପାଳ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ଅଳୁକୁଳୁକୁଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିବା ଭଳି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଜସ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ବାହାରିଲା। 25 କାଳ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି 30-40 ନେତା ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଏବଂ ସରକାରରେ ରହିଛନ୍ତି, କ୍ଷମତାକୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୃଗୁବକ୍ସି ପାତ୍ର। ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ଭଳି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ତ ହେଲା, ଅଗାଢ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ବାହାରିଲା ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜରେ କହିଲେ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇକରି ଦାବି କରୁଛୁ, ଯୋଉ 25 କାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଘନିଷ୍ଠ ଲୋକ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷମତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳି 30-40 ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦଳର ତାଙ୍କ ସରକାରର ଅଛନ୍ତି, ନିଜେ ସୋ ମୋଟ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ନେଇକିରି ଲୋକପାଳ ଯୋଉ କଥା ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକଙ୍କର ବିଷୟରେ କରିଛନ୍ତି ଦୟାପୂର୍ବକ, ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଇ ଯେଉଁ 30-40 ସାହୁକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆମର ଲୋକପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ରହିବ। ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସହସ୍ରାଧିକ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ଅଞ୍ଜଳି। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୋଷ ରାଉତ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ପୁରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର 2000 ଅଧିକ କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବିଚାରଧାରା
सामिल होगाक उत्साहित करा छड़ा जो राजनैतिक दल सहित से और परिवार जड़ित रही से दल कौन देखाकला तेणु बीजेडी छाड़ी बीजेपी में सामिल होता सबू नेता तथा कर्मी से विजु जनता दल को उचित जवाब देवे अंजलि किंतु आज आम समस्त दृढ़ शपथ नवा आम धर्मेन्द्र भाई नेतृत्व को सम्मान देवा भारतीय जनता पार्टी काम करवा आज यही पार्टी अफिश आपण मैंने आई हजार तीन हजार कर्मी नुहंते आम समस्त शुभेच्छु आम समस्त समस्त आपणार आज समस्त समस्त आत्मीयता अच्छी ये आसी ना भोटर ये समस्त आर्मी तो अंचल बाहर बेल को गोटे शपथ नहीं आम धर्मेन्द्र प्रधान नेतृत्व में आम हिंदोल निर्वाचन मंडल के काम करू जिते घात प्रतिघात आसु जहाँ बाधाघ्न आसु आम पक्ष को हटव वर्तमान सुधा 3,40,74,000 450 जन टीका नहीं प्रथम डोज नहीं 2,41,51,605 प्राय 78% लोक प्रथम डोज नहीं उभय डोज नहीं 29,22,845 जन वर्तमान 25,62,910 डोज टीका उपलब्ध रही द्वितीय डोज ने 24,00,000 लोक बाकी रही डिसेंबर सुधा समस्त को प्रथम डोज देवा लक्ष्य रही 3,540 गाँव में 100% प्रथम डोज टीकाकरण हो सारी जो मैंने द्वितीय टीका नहीं ना बारंबार मेसेज जाऊँ फोन आशा एवं अंगनवाड़ी कर्मचारी फैसिलिटेट करो मैंने टीकाकरण केन्द्र को आसवाक संपूर्ण असमर्थ से घरे टीका फैसिलिटेट करआरएमआरसी स्टडी अनुसार लोकों देहरे भल एंटीबॉडी अच्छी वर्तमान सुधा 0.18% ब्रेक थ्रू संक्रमण हो द्वितीय डोज टीका नेपा परे लोकों को सुरक्षा मिली 14 दिन परे टीका अधिक सुरक्षा देउथवा कहिसेंती परिवार कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्राही आमर जी वर्तमान टीका महजूद अच्छी प्राय 25,62,000 डोज टीका अच्छी तेणु आम जिते शीघ्र संभव चेष्टा करूँ जमी डिसेम्बर शेष सुधा समस्ते जमी गोटे फास्ट डोज ने ब्रेक थ्रू इनफेक्शन होफिनेटली कितु जो मैंने टीका नहीं सारी सेमानंको देहरे संक्रमण सिभीरिटी बहुत कम रोची सेमानंको भितरे हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम रोची जदि हॉस्पिटलाइजेशन भी हेले तांको भितरे मृत्यु संख्या बहुत अति नगण्य रोची आमर जेतिकि हिताधिकारी अछन्ते 18 वर्ष रु अधिक जो 3,09,00,000 अछन्ते ता भितरे 1,00,00,000 लोक आज उभय डोज पाइके प्रोटेक्टेड हो जाए बिना नोटिस रे बीएमसी घर भांगिबा को धमक देउथिबा अभिजोग प्रतिवादरे आज रास्ता को लाइटले श्यामपुर नुआसाई अंचलवासी आगो थैथान तापरे बीएमसी घर भांगु बोली कहिसेंती अंचलवासी एथिपई आज महिला माने विक्षोभ प्रदर्शन करथले सेमानको कहिबा कथा आमे गरीब लोक जदि बीएमसी घर भांगी देबो ताहाले आमे केउठी रहिबो बा केमिति चलिबो तुरंत सेमानको सेमानकर दाबी को बीएमसी सुनिबा सहित स्थायी थैथान पई दाबी कहिसेंती आंदोलनकारी करके आसिक खाऊ आमर घर भांगापी ही तीन तीन थर मान धमक देकी गले आम चलू कहीं आम छुआ पिला चलिए कहीं आम खाइबू कौन आम चलू कौटे बास ना आम 5,000 6,000 भड़ा देक रही पारू आम मूल लगे खाइबू केमी चलू घर 15 है रु सरकार जी आमको आज कौन भांगीदेप आम कौटे जीव आम खटिले खाइबू आम गरीब श्रेणी लोक मैंने आम कौटे जीव आम पिला छुआ मैंने संसार भासी जाए ना नहीं कोविड समय रे महामारी समय रे आमको आश्रय देवा बदल रे सरकार कहे राजा रास्ता को ओह्ल आस हाँ ये सरकार एटा नियम आज तुम बाहर ना आम तुम घर डोजर लगे उड़े दौ आमको धमक दे अनऑथराइज आसी आनाउंस कर आसबावपत्र घर बाहर कर दिंतु आम भांगू एवं बलिष्ठ मुष्टिमेय लोकंर प्ररोचन सरकार बोधे पड़ जाइंट तेणु आमे निवेदन करुचु आपणको चैनल माध्यम रे जे याकु थैथान करंतु एवं आमे गरीब लोक राजरास्ता को आमको तड़ंतु नहीं सरकार पश्चिमबंग गांगे क्षेत्र उपरे सृष्टि होता घूर्णिबलय प्रभाव में आज पश्चिमबंग तसलग्न उत्तर ओडिशा एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होई छी लघुचाप क्षेत्र समुद्र पतन ठारु वायुमंडल में 5.8 किलोमीटर जाए व्यापी यार प्रभाव में राज्यर अनेक स्थान में दुई दिन वज्रपात सहित प्रबल अति प्रबल वर्षा होवार संभावना रही एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्ष सतर्क सूचना जारी रही 24 घंटे सुंदरगढ़ देवगढ़ केन्दुझर जाजपुर भद्रक केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर जिले में प्रबल वर्षार संभावना थी येलो वार्निंग जारी
ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିବ। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ଚଉଦଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। କାଲି ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। अभी हमारा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन वेस्ट बंगाल में आज मॉर्निंग में डेवलप हुआ था, उसका प्रभाव में एक लो प्रेशर व लघुचाप फॉर्म हुआ है वेस्ट बंगाल एडजॉइनिंग नॉर्थ उड़ीसा में। तो इसका प्रभाव में अगला दो दिन में हमारा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी मेनली नेक्स्ट 24 आवर्स में और उसका बाद भी हैवी रेनफॉल एक दो जगह में कल भी होने का चांसेस है उड़ीसा में। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल मेनली बालासोर, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में होने का चांसेस है और हैवी रेनफॉल भद्रक, केन्द्रपड़ा, जगतसिंहपुर, सुंदरगढ़, केन्दुझर, देवगढ़, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में होने का चांसेस है। सुवर्णरेखा एंड हमारा बुढ़ाबलांग बेसिन में वाटर लेवल थोड़ा राइज करने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में मेनली जनरली क्लाउड स्काई रहेगा, एक दो स्पेल्स हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है। समझिए बुलेटिन को रखिएगा, नमस्कार।